सनी देओल साहब की अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 का फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसका एक प्रोमो रिलीज करके बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अब सनी देओल साहब की गदर 2 के सुपर डुपर हिट के बाद उनकी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाली है वो बॉर्डर 2 होने वाला है, जो साल 2026 के मौके पर रिलीज किया जाने वाला है। तो इस मूवी से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं और बता दूं कि आखिरकार इसके बारे में क्या अपडेट सामने आई है। पहले आप लोग अगर बॉर्डर 2 का टीजर नहीं देखे हैं तो आप लोग को बताना चाहूंगा कि ऑफिशियली टीवी सीरीज पर इसका एक टीजर, एक प्रोमो रिलीज किया गया है अनाउंसमेंट के टाइटल के साथ, जिसमें सनी देओल साहब का नाम सामने आया है और साथ में दिलजीत जहां तक दोसांझ का नाम सामने आया है। बेहद ये बहुत ही शानदार एंट्री होने वाला है, फिल्म बहुत ही यूनिक, बहुत ही लाजवाब होने वाली है। चलिए इसके बारे में आप लोगों को पहले जानकारी देते हैं। फिल्म की अगर बात करें तो बॉर्डर 2 का अनाउंसमेंट किया गया है। इसका जो रिलीज डेट रखी गई है 23 जनवरी 2026 में। जी हाँ, 23 जनवरी 2026 के मौके पर यह फिल्म आएगी बॉर्डर 2, जिसके अनाउंस मेकर्स की तरफ से कर दी गई है। इस साल कामयाबी की शानदार परफॉर्म दे रहे थे दिलजीत जी, और उनके बाद उनकी बॉर्डर 2 में जो कह सकते हैं उनका रोल होने वाला है, उनमें जहाँ तक उनका जो फाइनल एंट्री हो चुकी है एक तरह से कह सकते हो, और जहाँ तक इस प्रोजेक्ट में आप लोग को सनी देओल साहब तो नज़र आएंगे ही नज़र आएंगे, इसके अलावा बहुत सारे यूनिक कलाकार नज़र आएंगे बॉलीवुड से, जो आजकल के बहुत ही शानदार, जहाँ तक वो बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रहे हैं। काफ़ी सारे कलाकार को जहाँ तक इस फिल्म में एंट्री मिलने वाली है, और सनी देओल की अब तक की जो बॉर्डर फिल्म जो हिट रही है इनकी पार्ट 1, उसको देखते हुए पार्ट 2 पर अब जहां तक उनकी फाइनल मोहर लग चुकी है कि पार्ट 2 भी आएगी। क्योंकि जिस तरह गदर पार्ट 1 आया था, उसके गदर 2 पार्ट जब 2 आया तो बॉक्स ऑफिस पर एक ऐतिहासिक कलेक्शन हुई, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया बॉर्डर गदर 2 को, और वो बहुत ही अच्छे खासे हिट जहां तक लेवल पर जा चुका था। उसी तरह से जब बॉर्डर आई, जो एक बहुत ही कह सकते यूनिक फिल्म थी, भारतीय सेना पर आधारित एक फिल्म थी, जी हाँ आप लोगों को पता है, और जो फिल्म बहुत हिट रही थी, उसके बाद उसके पार्ट 2 तो आना ही चाहिए था, और पार्ट 2 फाइनल अब आएगी 2026 में, और बेहद जिसकी तैयारी चल रही है मेकर्स की तरफ से, फाइनल एक प्रोमो रिलीज करके अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आप कितने एक्साइटेड है ज़रूर बताइएगा बॉर्डर 2 को लेकर, और बेहद बॉर्डर 2 में जो बहुत ही लाजवाब एक्शन लेवल होगा, जो हमारे देश के भारतीय सेना के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आप लोग को पता चलेगा, जिसे जानकर आप लोग कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई हमारे देश की सेना कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारे लिए, जहाँ तक वो दिन रात किस तरह बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, इसीलिए तो नाम है बॉर्डर 2। तो बॉर्डर 2 का जो ये पार्ट 2 होगा वो किस लेवल तक जाएगा, किस लेवल तक जहाँ तक भारतीय सेना का हिस्सा उनके जो ज़िंदगी में कट रही, काफ़ी सारे ऐसे मुश्किलों का पार्ट दिखाया जाएगा, जो आप लोग को देख कर कहीं ना कहीं रोना आएगा, और आप लोग को लगेगा कि भाई सैल्यूट है हमारे देश की सेनाओं पर, और कहीं ना कहीं ये बात आप लोग को फील अंदर से होगा। तो कहीं ना कहीं आज के जितने सारे जनरेशन हैं उनको ये चीज़ तो जानना ही चाहिए, देखना ही चाहिए। तो बॉर्डर 2 के लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जिस तरह मैंने गदर देखा, गदर 2 का जहाँ तक पार्ट 2 को लेकर मैं अपने पूरे फैमिली के साथ गया फिल्म देखने के लिए, और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे जहाँ तक इन्जॉयमेंट किए, काफ़ी मज़ा आया, फिल्म बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी। और कहीं ना कहीं बॉर्डर 2 का मेरे फैमिली में भी पता चला कि भाई बॉर्डर 2 आने वाली है, सब खुशी से एकदम भाई क्या बताऊँ बोल रहे हैं कि भाई मज़ा आने वाला है और बहुत इंतज़ार रहेगा। तो इस तरह की भाई फैमिली में एक अलग ही मोमेंट बन गया, एक अलग ही खुशी का माहौल बन गया है, क्योंकि हमारे घर में जितने सारे हैं वो सनी देओल की जो फिल्में हैं काफ़ी पसंद करते हैं, तो उसी तरह से जितने सारे जो फैमिली, जितने सारे ऑडियंस हैं वो कहीं ना कहीं अटैच होंगे इस फिल्म से, और जितने सारे आज के जनरेशन हैं, नए युवा के लोग हैं, वो जहाँ तक इस फिल्म से अटैच होंगे, तो वो सारे जितने सारे ऊपर नीचे जितने सारे जनरेशन के हैं वो सारे लोगों को कवर करेंगे ये फिल्म। ये जहाँ तक मेन पॉइंट है प्लस इस फिल्म का। तो इस फिल्म के लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मेरा फैमिली पूरा एक्साइटेड है, आप कितने एक्साइटेड जरूर बताइएगा, और साथ में इस भाई के साथ बने रहे, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मध्य स्टूडियो में जय हिंद, जय भारत और जय हिंद।